श्रीलंका सीरीज 2022 का खेला जा रहा है, ये यहाँ पर दूसरा टेस्ट मैच और दूसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन चल रहा है। और अच्छी खबरें ये हैं कि अभी तक बारिश की वजह से ये मैच डिस्टर्ब नहीं हुआ है। पहले सेशन का खेल पूरा हुआ, पाकिस्तान की टीम को मिली इस सेशन के अंदर 2 विकेटें। कल आपको जैसे कि मालूम है कि टीम श्रीलंका जो है वो 5 विकेटों को लूज कर गई थी, लेकिन आज के इस दिन के अंदर श्रीलंका की टीम ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, तेज बल्लेबाजी की और हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। 2 विकेटों को उन्होंने लूज जरूर किया, लेकिन जो लीड है वो बढ़कर अब जो है वो 444 रन की हो चुकी है। लगभग 120 के आसपास रन जो है वो टीम श्रीलंका ने इस सेशन के अंदर बनाए। एक आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप हमें देखने को मिली धनंजय डी सिल्वा और यहाँ पर कह लीजिए कि कप्तान दुमित कुरुनारत्ने के दरमियान। जब दुमित कुरुनारत्ने आउट हुए, लेकिन धनंजय डी सिल्वा जो है वो दोस्तों अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपनी टीम को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनकी सेंचुरी का वेट कर रही है अब टीम श्रीलंका। और जैसे ही उनकी सेंचुरी पूरी होगी तो उसके बाद श्रीलंकन टीम अपनी इस इनिंग्स को डिक्लेयर कर देगी। इस मैच का अब क्या हाल रहेगा, वेदर रिपोर्ट क्या है, वेदर रिपोर्ट में आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोस्तों सबसे पहले, उसके बाद मैच की सिचुएशन को हम देखेंगे। तो वेदर की अगर बात की जाए तो आज के इस दिन के अंदर जो 1 बजे का टाइम होगा, 1 बजे यानी कि इसके बाद जब ये सेशन पूरा होगा तो इसके बाद की अगर बात की जाए तो इसके बाद 1 बज जाएगा लगभग, और 1 बजे लगभग कोई 49% बारिश होने के चांसेस होंगे। उसके बाद 2 बजे के वेदर की अगर बात की जाए तो 2 बजे का वेदर कुछ यूँ है कि 68% बारिश होने के चांसेस होंगे सेकेंड सेशन के 2 बजे के आसपास। और उसके बाद अगर बात की जाए 3 बजे के वेदर की तो 3 बजे लगभग कोई 49% बारिश होने के चांसेस होंगे। 4 बजे के वेदर को अगर देखा जाए तो 73% बारिश होने के चांसेस होने वाले हैं। तो मतलब ये कि अगले 2 सेशन बारिश की वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त के अगर वेदर की अगर बात की जाए तो इस वक्त का वेदर जो है वो परफेक्ट बना हुआ है, कोई किसी किस्म के बारिश होने के चांसेस नहीं है और धूप निकली हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगले आने वाले टाइम के अंदर बारिश की वजह से आज के इस दिन का खेल या तो पहले ख़त्म कर दिया जा सकता है या फिर खेल को रोका जा सकता है, क्योंकि बारिश अगर आएगी तो फिर यकीनन यहां पर हालात इतने अच्छे नहीं रहेंगे इस मुकाबले के टीम श्रीलंका के लिए खास तौर पर, वो इसलिए क्योंकि श्रीलंका की टीम इस वक्त हमें मैच विनिंग पोजिशन में दिखाई दे रही है। और श्रीलंकन टीम की अगर बात की जाए गाइस तो श्रीलंका की टीम को जीतना चाहिए इस मैच को, जीतेंगे तो ही वो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल पर तरक्की करते हुए हमें दिखाई देंगे। अदरवाइज उनके लिए अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना यानी कि नंबर 3 पर आने का मौका है उनके पास। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले इस मैच के स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो कल आपको पता है कि डिकविला 15 रन बनाकर, उशादा फर्नांडो 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसी तरह कुशाल मेंडस ने 15 रन बनाए, वो आउट हुए। एंजेलो मैथ्यूज जो कि अपना 1.25 मैच खेल रहे हैं, उन्होंने 35 रन बनाए, 62 गेंदों का सामना किया, वो आउट हुए। दिनेश चंदीमल ने 21 रन बनाए, 58 गेंदों का सामना किया और वो आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बाद दुमित कुरुनारत्ने और धनंजय डी सिल्वा ने कमाल कर दिया, 126 रन की बड़ी पार्टनरशिप लगाई और इस मैच को पाकिस्तान से छीन लिया उन्होंने, प्रॉपरली छीन लिया दोस्तों। अगर ये वर्ड यूज़ किया जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक वक्त में जब 117 के स्कोर पर टीम श्रीलंका की 5 विकेटें गिर गई थी तो ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान की टीम श्रीलंका की जो लीड है उसको 350 तक रोक लेगी और उसके बाद पाकिस्तान की टीम की बैटिंग आएगी। लेकिन हुआ कुछ यूँ के उसके बाद 126 रन की पार्टनरशिप लग गई। कप्तान कुरुनारत्ने 61 के स्कोर पर अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 105 गेंदों का किया हुआ उन्होंने सामना, 3 चौके लगा रखे हैं और वो नुमान की गेंद के ऊपर शफीक, मतलब वो आउट हो चुके दुमित कुरुनारत्ने, नुमान की गेंद के ऊपर शफीक के हाथों आउट हुए। जबकि धनंजय डी सिल्वा इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, 84 के स्कोर पर मौजूद है दोस्तों धनंजय डी सिल्वा। और मुझे जो लग रहा है दोस्तों वो ये लग रहा है श्रीलंका का स्कोर इनफ हो चुका है, लाइक जितने रन की उनको ज़रूरत है उतने रन बना लिए उन्होंने, क्योंकि 5 सेशन है और पाकिस्तान की टीम आपको पता है बहुत ही स्लो क्रिकेट खेलने वाली टीम है। 2.6 के रन रेट के साथ टीम पाकिस्तान आगे बढ़ती है। यहाँ पर श्रीलंका का रन रेट पिछली इनिंग्स के अंदर भी 3.7 का था और इस इनिंग्स के अंदर भी उनका रन रेट 3.7 के आसपास है। तो धनंजय डी सिल्वा की मेरे हिसाब से सेंचुरी का वेट किया जा रहा है, जैसे ही धनंजय की सेंचुरी पूरी होती है तो उसके बाद श्रीलंकन टीम अपनी इस इनिंग्स को डिक्लेयर कर देगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है दोस्तों। बाकी अभी देखते हैं क्या हालात रहने वाले हैं, क्योंकि इस मैच के अंदर 5 सेशन बचे हुए हैं, 5 सेशन जो है वो इनफ होते हैं किसी भी टीम को ऑल आउट करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की टीम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम अंडर प्रेशर होगी और अगर वो पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेलते, ड्रॉ करने के लिए जाते हैं इस मैच को, तो फिर उनके जीतने के चांसेस क्या बहुत ही कम हो जाएंगे और फिर वो लूज़ करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो जीतना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलेंगे तो ही इस मैच
मैच को ड्रॉ कर पाएगी टीम पाकिस्तान। यहाँ पर आउट होने वाले अगले प्लेयर की अगर बात की जाए तो वो थे दुनित, 18 रन बनाए नवाज की गेंद के ऊपर, विकेट कीपर रिजवान के हाथों कैच आउट हुए वो। जबकि रमेश मेंडिस की अगर बात की जाए 8 रन बनाए हुए इन्होंने, 16 गेंदों का सामना किया है और धनंजय डिसिल्वा का साथ देते हुए अब तक वो हमें दिखाई दे रहे इस मुकाबले के अंदर। यहाँ पर अब 21 एक्स्ट्रास की मदद से यह टीम 297 का स्कोर बना चुकी है। अगर देखा जाए पाकिस्तान की बॉलिंग को और पार्टनरशिप्स को तो पहली विकेट 27 के स्कोर पर गिरी, डिकविला आउट हुए छठे ओवर के अंदर। दूसरी विकेट 47 के स्कोर पर गिरी जब आउट हुए उशादा फर्नांडो 11वें ओवर के अंदर। तीसरी विकेट 59 के स्कोर पर गिरी जब कुशाल मेंडिस आउट हुए 16वें ओवर के अंदर। चौथी विकेट 100 के स्कोर पर जब एंजेलो मैथ्यूज 30वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। पांचवी विकेट 117 के स्कोर पर जब दिनेश चंदीमल आउट हुए 35वें ओवर के अंदर जाकर। छठी विकेट 343 के स्कोर पर बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप के बाद जाकर गिरी जब दुमित कृष्णरत्न 68वें ओवर के अंदर जाकर आउट हुए। जबकि 278 के स्कोर पर सातवीं विकेट गिरी जब दुनित आउट हुए। नई गेंद पाकिस्तान की टीम को अब लेने की मतलब ले सकती है टीम पाकिस्तान, तो देखते हैं नई गेंद का यूज किया जाएगा नहीं किया जाएगा। जबकि पाकिस्तानी बॉलर्स की बात की जाए तो हसन अली फिर से विकेट लेने में नाकाम रहे, 9 ओवर्स के अंदर 32 रन दिए, कोई भी विकेट नहीं चटकाई। नसीम ने 12 ओवर्स के अंदर 36 रन देते हुए 2 विकेट को किया अपने नाम, 1 विकेट यासिर शाह ने हासिल की, 2 विकेटों को नवाज ने अपने नाम किया। इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए यहां पर नोमान की तो 1 विकेट वो लेने में कामयाब हुए जबकि आगा अली सुलेमान ने 1 विकेट को किया अपने नाम। तो दोस्तों ये हालात है अब तक के इस इनिंग्स के पाकिस्तान की बॉलिंग के। यहाँ पर अगर बात की जाए ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल की तो उसके ऊपर इस मैच का गहरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम को आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इस वक्त नंबर 3 पर बनी हुई है टीम पाकिस्तान। अगर इस मैच को वो जीत लेते हैं जो कि अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो जीतने के बाद वो अपनी नंबर 3 की पोजीशन को सीमिटेड कर लेंगे, मतलब बहुत ही अच्छे अंदाज से स्टेबल कर लेंगे अपनी नंबर 3 की पोजीशन को। फिर दूसरी टीम्स को उनको क्रॉस करने के लिए अच्छे खासे मैचेस को जीतना पड़ेगा, कम से कम 2 मैचेस को जीतना पड़ेगा टीम इंडिया को अगर वो उनको क्रॉस करना चाहेंगे, अगर पाकिस्तान की टीम इस मैच को जीत लेती है या फिर कोई भी नीचे वाली टीम को। इसी तरह अगर बात की जाए कि अगर पाकिस्तान की टीम जीत लेगी 63 की विन परसेंटेज हो जाएगी, और फिर साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की जो सीरीज होनी है अगले महीने के अंदर उसको साउथ अफ्रीका की टीम अगर हार देगी तो फिर नंबर 3 की टीम नंबर 2 पर जा सकती है। इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए यहां पर कि अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो क्या होगा, ड्रॉ होने से भी पाकिस्तान की टीम को नुकसान तो होगा, जाहिर सी बात है पॉइंट्स थोड़े कम होंगे लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा जितना हारने से होगा। ड्रॉ होने से ये होगा कि पाकिस्तान की विन परसेंटेज 55 की हो जाएगी और वो नंबर 3 पर ही बने मौजूद हमें दिखाई देने वाले हैं, नंबर 3 पर रहेंगे वो, क्योंकि इंडिया की विन परसेंटेज 52 की है और इसी तरह वेस्ट इंडीज़ की 50 की है, श्रीलंका की 48 की है जो कि कम होते हुए 45 की हो जाएगी, पाकिस्तान की 58 की या 55 की हो जाएगी अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो। पॉइंट टेबल के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही लगभग रहेगा ये पॉइंट टेबल, बट अगर पाकिस्तान की टीम इस मैच को हार देती है दोस्तों अगर, तो फिर ये होगा कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पर 58 की विन परसेंटेज या कम होते हुए 51 की हो जाएगी, इंडिया की टीम फिर ऊपर आ जाएगी, श्रीलंका की टीम ऊपर आ जाएगी, पाकिस्तान की टीम नंबर 5 पर चली जाएगी। तो ये हालात रहने वाले हैं दोस्तों ICC टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल के। यहाँ पर अब श्रीलंका कब जाकर डिक्लेयर करती है इस चीज़ का पाकिस्तानी टीम को वेट होगा, पाकिस्तानी फैंस को वेट होगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम विकेट्स लेने में हमें नाकाम दिखाई दे रही है, बहुत ही कम विकेटें ली गई हैं टीम पाकिस्तान की तरफ से और श्रीलंका की लीड हो चुकी 444 रन की। यहां पर अब 297 है स्कोर 7 विकेट के नुकसान पे टीम श्रीलंका का।